देखो, अब दूसरा संस्कार शुरू और जाने रहा है। पहले युग का दूसरा संस्कार, ये 3 तोला पारद लिया था तो इसमें 3 तोला चूना का पाउडर डाल रहे हैं। जो हमारे मकानों में दीवार में चूना करते हैं ना, वो चूना का पाउडर है, बिन बुझाया चूना का पाउडर है। 3 तोला लिया है, अब उसको 3 से 4 घंटा तक खरल करना है। 3 से 4 घंटा खरल करेंगे तो बिल्कुल पारद छिन्न भिन्न हो जाएगा और शुद्धिकरण होता जाएगा। बस ऐसे 3 से 4 घंटा तक खरल करते रहना है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। ये पहले पारद संस्कार का, पहले युग का दूसरा संस्कार है। पारद के ऊपर भी, वीडियो के ऊपर भी पहले युग का दूसरा ऑब्लिक, पहले योग ऑब्लिक 2 लिखा होगा, ये आप ध्यान रखना। देखो, अब दूसरे संस्कार, पहले योग के दूसरे संस्कार में चूना के साथ जो चालू किया है, चूना धीरे 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 कलर फेरफार हो रहा है, ब्लैक होने जा रहा है। पारा तो सिन भिन हो गया, बिल्कुल अदृश्य हो गया, पारा दिखता ही नहीं है बिल्कुल, एकदम अदृश्य हो गया। धोएंगे तो सिन भिन अवस्था में ही पारा निकलेगा, मूर्छा अवस्था में पारा निकलेगा। मूर्छा अवस्था को फिर से प्रवाही रूप में करना पड़ेगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको। मूर्छा अवस्था में से प्रवाही रूप में कैसे किया जाता है उसका वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा। देखो, पारद बिल्कुल अदृश्य हो गया है, सिन भिन हो गया है, चूना भी ब्लैक कलर की तरह हो गया है, ग्रे कलर जैसा, सीमेंट कलर जैसा। अब उनको थोड़ी देर बाद धो डालते हैं, गर्म पानी से धोना है। अब पारद को गर्म पानी से धो डालते हैं, डाल पानी इसमें, हलाई नहीं, हम हलावानू से इतना उसको हिलाते रहो, पानी डाल, नाक पानी नाक दे और जो चालते हो पानी डाल दो, पानी और थोड़ा डाल, बस बस। अब उसको थोड़ी देर हिलाएंगे तो इसमें क्या है, पारद बिल्कुल सिन भिन हो गया है, अदृश्य हो गया है। अदृश्य हुआ पारा, सुना में अदृश्य हुआ है, तो उसमें से फिर निकालने के लिए गर्म पानी से डालकर उनको थोड़ी देर ऐसे ही हिलाते रहेंगे। बाद में तुरंत पानी नहीं निकालना है उसको, पारद जो सिन भिन हुआ है सुना के अंदर, वो थोड़ी देर हिलाने के बाद, रखने के बाद वो सब सिन भिन हुआ पारा नीचे तलिए पे बैठ जावे, तब वो पानी धीरे धीरे निकालना है। 15-20-25 मिनट ऐसे ही पड़े रहने देना है, इसके बाद पानी निकालना है, बस। अब रहने दो ऐसे ही, और खरल बार ले लो, 10-12 मुक दे, बस। अब 20-25 मिनट ऐसे पड़े रहेगा तब पानी निकालते हैं, तब वो सब पारद नष्ट हुआ बिल्कुल मूर्छित अवस्था में नीचे तलिए पे मिलेगा। धीरे धीरे पारद का सुना का पानी निकाल रहे हैं, बहुत आस्ते आस्ते निकालना है। ऊपर से जावा देवा है, पसी धीरे थोड़ू कम पानी रहे तब आस्ते आस्ते लेना है, बस। और धीरे धीरे नीचे जो लुक दी है ना, वो नहीं गिरनी चाहिए, जाने दो धीरे धीरे धीरे। बस अब थोड़ा पानी डाल दो, 3-4 बार धोना पड़ेगा तब ये चूना निकलेगा। अब 5 मिनट बैठने दे, बाद में निकाल लेगा।